हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीके वर्ल्ड। बीके वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऐसी जगह लेके आए हैं जहाँ मतलब इन भाई साहब के पास 8 बुली हैं एक घर के अंदर, और इनके पास एक फीमेल थी, उसने बच्चे दिए थे। सारे के सारे बच्चे इन्होंने अपने पास रख रखे हैं, और ये जैक्सन जो आपको हमारे चैनल पर वीडियो है उसी के बच्चे हैं ये सारे, और दो दो साल के हो गए हैं सब। इतना बढ़िया शौकीन है, मतलब बढ़िया शौक है भाई साहब को बुली का। उन्होंने मतलब उस फीमेल के सारे आठों आठों बच्चे रख लिए हैं। तो आपको पूरा पूरा जो लीटर था पूरा पूरा रख लिया भाई साहब ने। तो आपको वो सारे के सारे 8 बुली आज आपको दिखाते हैं, उसमें मेल भी है फीमेल भी है। तो चले शुरू करते हैं। हेलो भाई साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई साहब। तो भाई साहब क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं भाई साहब। मेरा नाम अमरदीप सिंह है जी। हाँ जी। तो भाई साहब अपना एड्रेस क्या है यहाँ का? एड्रेस गांव 69 RB। अच्छा, 69 है। हाँ जी, 69 RB। 69 RB गांव है। हाँ जी, तहसील रायसेनगर। रायसेनगर के अंदर है, श्री गंगानगर स्टेट। हाँ जी, राजस्थान। हाँ जी। तो बॉर्डर एरिया ही है, मतलब ये अपने यहाँ से बॉर्डर कितना दूर पड़ता है अपने? बस 30 किलोमीटर पड़ता है। तो व्यूअर्स देख सकते हैं 28-30 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर एरिया है, राजस्थान के अंदर अपने हैं। और भाई साहब ने पूरा पूरा बुली का लीटर रख रखा है, तो उसमें 8 बच्चे हैं और अभी 2-2 साल के हो गए हैं वो। तो आपको बुली डॉग दिखाते हैं। तो भाई साहब आप बुली डॉग दिखाएं अपने। आइए। ओके जी, भाई साहब के साथ चल के देखें डॉग आपसे। ये देखें भाई साहब, तीनों डॉग एक साथ, तीन डॉग बैठे हैं। ये देखें, ये देखें, तीनों बहन भाई है ये। तो इसमें ये लालवड़ा, तो इधर ये मेल है। हाँ जी। बीच में फीमेल है और वो भी मेल है। वो मेल है, दो मेल है और बीच में फीमेल है इनके। तीनों बहन भाई हैं, देख लो अभी बस आप। ये देखें आप, बहुत सुंदर डॉग है तीनों। तो व्यूअर्स आप देखें डॉग देखें आप। तो भाई साहब इसका नाम क्या है जो अपने अभी पास में है सामने एकदम? इसका नाम हंटर है। तो व्यूअर्स आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम हंटर है। तो भाई साहब इनकी एज कितनी होगी अभी? ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए। 2 साल का पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है लगभग। और ये बीच में फीमेल है, इसका नाम क्या है सर? बीच में हीरा नाम की फीमेल है, इधर ये मेल है, इसका नाम डैनी। तो बस तीनों बहुत समझदार है, और ये तीनों जैक्सन के बच्चे हैं। अभी इनके 5 भाई और मतलब बहन भाई और है, वो भी अंदर हैं अभी, वो भी दिखाएंगे आपको धीरे धीरे। वो देखें भी बस बहुत अच्छा। तो भाई साहब मैं चाहता हूँ आप इसको घुमा के दिखा देंगे बस हंटर को। तो व्यूअर्स देखें आप लोग देखें, ये देखें इसकी बेल देखें। बेल मतलब जिसको लेंथ बोलते हैं अपने, आगे मुंह से लेके पीछे पूंछ तक। देखें व्यूअर्स देखें, लोग देखें, एक नंबर। अभी गर्मी बहुत है तो लोग भी धूप में नहीं आना चाहता। इसके लेग्स मतलब एकदम पूरी हैवी बोन, मजल वगैरह इसके एकदम परफेक्ट है। और फेस कट देखें आप व्यूअर्स, आप फेस कट देखें आप, बहुत सुंदर है, परफेक्ट। पूरा लाल रंग है इसका, थोड़ा ऊपर ब्लैकिश ब्लैकिश शेड है इसके अंदर। तो पूरा परफेक्ट ब्रीड है, मतलब एक ड्रीम बीके है। मतलब सब लोग चाहते हैं हमारे घर में भी एक इतना सुंदर डॉग हो। तो भाई साहब ने तो इसका पूरा मतलब सारे बहन भाई, 8 बहन भाई थे, सारे के सारे रख रखे हैं। और बढ़िया तरीके से सारे, मतलब आप देखेंगे इनका एक भी डॉग कहीं से कमज़ोर नहीं है। आप हर तरीके से सारे फिट फाइन है एकदम, बढ़िया तरीके से रख रखे हैं भाई साहब ने। तो भाई साहब आप इनकी मदर दिखा दीजिए हमें। हाँ जी। तो व्यूअर्स ये इनकी मदर है, देखिए फादर की वीडियो अपने बीके वर्ल्ड में लगी हुई है चैनल पे, जैक्सन नाम की। इस वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसका नाम नूरी है। इसका नाम नूरी है, बहुत सुंदर फीमेल है। देखिए आप, ये इनकी मदर है। वो 3 बच्चे आपको जो दिखाए थे मैंने वहाँ पर, उनकी मदर है ये। और इसके 5 बच्चे और वो भाई साहब ने थोड़े साथ में रख रखे हैं इनका भी। इनका मतलब 2 पार्टीशन में इन्होंने कर रखा है, मतलब पूरे घर के अंदर 2 हिस्सों में इन्होंने अलग अलग रख रखे हैं सबको, क्योंकि सब एक जगह रहते हैं तो पूरे दिन वो खेल कूद करते हैं, तो संभाल नहीं होती फिर एक साथ। तो देखें आप, नूरी देखो मेरे एकदम पास में आ गई, मेरे सूंघ रही एकदम, बहुत फ्रेंडली डॉग है एकदम। देखिए पूरे खेल कूद कर रही है एकदम बढ़िया, पूरी एकदम गोल मटोल, पूरी एक्टिव।
और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं नूरी का, परफेक्ट रिज़ल्ट है, देखें आप बहुत सुंदर है। नूरी नूरी अच्छा देखें आप बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत अच्छा कलेक्शन है भाई साहब। हंटर को भी इधर ही बुला लीजिए, हंटर आजा तो ये देखें आप, हंटर आ रहा है सामने से, देखो आप ये देखें व्यूअर्स आप, देखें आप देखें क्या क्वालिटी है, देखें लेंथ देखें इसकी, क्वालिटी देखें आप, मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरे को डॉग ये, बहुत पीछे से आप बोन साइज देखें आप, पूरा मतलब एक परफेक्ट बॉडी बिल्डर डॉग है मतलब ये पूरा, मतलब इसकी बड़ी एक्सरसाइज वगैरह पूरी भाई साहब ने इस पर बहुत मेहनत की है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सब मेहनत के कमाल है। देखो बिना मेहनत के डॉग कभी तैयार नहीं होता, बुली डॉग तो बिल्कुल तैयार नहीं होता, क्योंकि जो मस्कुलर डॉग जो भी डॉग होगा उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो आपको मतलब एक बहुत सुंदर डॉग तैयार होगी मिलेगा एकदम, जैसे आप मतलब उस पर जिस टाइप की मेहनत करेंगे वैसे आपको डॉग मिलेगा। ये इनकी मदर हंटर की देखो आप, और ये हंटर है देखो आप, बहुत सुंदर भाई साहब बहुत सुंदर परफेक्ट, और फ्रेंडली नेचर का एकदम एकदम स्वभाव में एकदम इसका फ्रेंडली नेचर है। इसकी बेल लंबाई चौड़ाई हाइट बोन साइज मतलब अब इस कैमरे में पता नहीं कैसी आ रही होगी, मतलब आप रियल में देखोगे ना तो इसमें दिन रात का फ़र्क है, इतना हैवी बोन है मतलब सामने से आप बोलोगे कि यार ये कोई कुत्ता ये शेर है। अब इसका 80 किलो वज़न है, और 80 किलो वज़न इस फ़ोन के अंदर देखो मैं आपको दिखा नहीं सकता बिल्कुल भी, मतलब आप बुलीज को आप फ़ोन में देखते हो तो ये रियल में उससे भी बहुत बड़े लगते हैं, मतलब आप मतलब फोटोज इनकी मेरे हिसाब से इतनी आती नहीं है जिस हिसाब के असली में होते हैं। हाँ जी, तो देखें आप इसका फेस देखें आप, देखें आप बहुत सुंदर बहुत सुंदर भाई साहब, आपने बहुत इस पर मेहनत कर रखी है, और आज हमारे व्यूवर्स को मतलब इतना अच्छा कलेक्शन दिखा रहे हो आप, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार आपके लिए, थैंक यू बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कलेक्शन बहुत कम मतलब बहुत कम क्या, अपने इंडिया में तो देखो इस टाइप का मेरे हिसाब से कोई शौकीन नहीं होगा जिसने एक पूरा पूरा लीटर, मेरे हिसाब से अभी तक पूरे इंडिया में कोई नहीं होगा इस टाइप का। मैंने तो देखा नहीं, देखो क्योंकि मेरे को मेरे बुली की नॉलेज रखते हुए कम से कम 10-12 साल हो गए कम से कम, तो मैंने तो ऐसा कोई बंदा देखा नहीं जिसने पूरा लीटर रख लिया हो, मतलब इतना शौकीन कोई नहीं देखा मैंने आज तक भाई साहब ने, एक भी बच्चा इस लीटर का सेल नहीं किया, सभी के सभी अपने घर पर रख रखे हैं, बहुत सुंदर भाई साहब बहुत सुंदर। तो भाई साहब मैं चाहता हूँ इनके साथ के जो 5 बहन भाई है वो भी आप हमें दिखाएं, तो उनको इस पास वाला पार्टीशन में कर रखे हैं, तो आपको यहाँ से अभी दिखाते हैं हंटर वगैरह, हंटर और इसके 3 बहन भाई, ये तीनों इस साइड रहते हैं इनकी मदर के साथ, और बाकी के जो 5 है वो इस तरफ रहते हैं, आपको दिखाएंगे अभी अभी। हंटर भी उधर, हंटर भाई साहब उधर थोड़ी जाएगा, नहीं नहीं इधर ही रहेगा। हाँ तो ये गया तो काम करता जाएगा, तो यही यहाँ से आपको देखो पूरा पेड़ वगैरह लगे हुए हैं इनके नीचे, भाई साहब ने पूरा इनके रूम्स वगैरह बना रखे हैं। व्यूवर्स देखें आप, ये 2 तो ये रहे, टोटल 7 बच्चे हैं, एक मदर को मिला के टोटल 8 हैं। तो ये देखो पूरे देखो खेल कूद करें भाई साहब के साथ, ये जो अभी हाथ में है ये फीमेल है, और जो उधर है वो मेल है, बड़े साइज वाला वो मेल है। इसका नाम बराका है, इस फीमेल का नाम क्या भाई साहब? मलिका जी, मलिका नाम है देखो फीमेल का। और एक इनकी सिस्टर है वो उधर केस के अंदर है, अभी सामने आपको दिख रही है केस के अंदर, सोना नाम की फीमेल है वो, बहुत सुंदर है वो भी हीट में है तो इसलिए उसको अंदर रख रखा है। और बाकी देखें आप बहुत सुंदर है, देखें बराका देखो बहुत सुंदर डॉग है, देखें मेरे पास आ गया था अभी बराका, बहुत सुंदर डॉग है बहुत सुंदर, बस अब लेंथ हाइट में बहुत सुंदर है दोनों डॉग, क्वालिटी में मतलब हर चीज़ में मतलब एक कहीं से भी इनके बोन साइज मतलब बोन साइज भी एकदम परफेक्ट लग रही है, कहीं से भी इनकी हड्डियाँ नहीं दिख रही, मतलब आपने बढ़िया तरीके से इनकी सेवा पानी अच्छी कर रखी है एकदम। ये देखें आप पूरा एकदम इनको प्यार चाहिए बुली ब्रीड को, मैंने आपको हमेशा बताया बुली ब्रीड को सिर्फ प्यार चाहिए। ये देखें आप देखें बहुत सुंदर परफेक्ट बराका भाई साहब, मतलब ये सब इनके एक ही लीटर के सारे हैं ना, ये 7 बच्चे एक ही लीटर के हैं, और टोटल 9 बच्चे हुए थे मेरे हिसाब से, 10 हुए थे 9, हाँ टोटल इनमें से 7 इन्होंने रखे हैं, बाकी 3 जो मैटिंग जिन्होंने करवाई थी वो ले गए थे, और मतलब सभी सुंदर पूरा लीटर, मतलब कहीं से भी किसी डॉग में कोई कमी नहीं है, फीमेल है देखें आप, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर।
व्यूअर्स देख सकते हैं आप, अभी स्पेशल इसकी वीडियो शूट करने यहीं पर रहती है, पूरे अंदर को घर के अंदर आपको घर दिखाता हूँ पूरा। अभी थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पे, और ये देखो ये चांदी है, ये भी इनके साथ की है, मिली है ये मतलब साथ में। तो वैसे आपके सारे डॉग हमने देखे, हमें बहुत अच्छे लगे, मतलब इतने सारे डॉग एक साथ, इतनी अच्छी तरह ग्रोथ सबकी। तो वैसे अब इनको आप इतने डॉग्स को कैसे संभालते हैं, मतलब क्या कुछ करते हैं आप उनके लिए? अब तो जैसे जी ये 2 साल के हो गए हैं, अब तो काफ़ी इनकी देख रेख थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब ज़्यादा वैसे ये 2 साल हो गए डेवलप इनके हो गए हैं, पूरा डेवलपमेंट हो गया जी। हाँ जी हाँ जी। तो उस हिसाब से तो अब ये नॉर्मल चल रहा है, जैसे डाइट होती है जैसे अपने किस हिसाब से, मतलब फिर भी इनका फूड का मतलब बताओ, पूरे दिन से कैसे सप्लीमेंट, मतलब खाना वगैरह कैसे आप देते हो इनको, कैसे इनका इतना ध्यान रखते हो, वैक्सीनेशन वगैरह क्या कुछ, मतलब सारा शेड्यूल बताऊँगा किस हिसाब से करते हो आप? हम अब इनको तो 2 बार देते हैं फीड। अच्छा। जैसे जो इनके डाइट है इनकी 2 टाइम है, अब इसकी एक सुबह है इनकी 7 बजे और शाम को भी 6-7 बजे इनको, मतलब सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे इनको आप 2 टाइम खाना देते हो? हाँ जी 2 टाइम देते हैं इनको खाना। तो खाने में जैसे रोटी है हाँ जी, जो दूध है उसमें मिक्स करके हम इनको देते हैं, मतलब दूध के अंदर रोटी मिक्स करके चूर के देते हो? हाँ जी। ये लगभग हर डॉग को मतलब 1 kg या मतलब एक टाइम का पर डॉग को 1 kg फूड मिल जाता है, मतलब उसमें मतलब रोटी और दूध, उसका टोटल वेट जो होगा लगभग 1 kg वेट, कम से कम पूरा एक क्वांटिटी एक डॉग को पूरे 1 kg एक टाइम का खाना मिल जाता है। हाँ बढ़िया है, उससे तो मतलब सारे डॉग एकदम फिट फाइन है सभी एकदम। और एक्स्ट्रा इनको थोड़ा कैल्शियम चल रहा है? और अच्छा कैल्शियम वगैरह कुछ साथ में चालू कर रखा है आपने? हाँ जी, लिवर टॉनिक वगैरह डिवॉर्मिंग होती रहती है इनकी। हाँ डिवॉर्मिंग वगैरह वो तो नेचुरल, मतलब अपने 3-4 महीने से जो भी सिस्टम रहता है 3-4 महीने से करनी होती है, मतलब पूरा टोटल हर चीज़ का ध्यान है यहाँ पे एकदम, मतलब हर चीज़ तरीके से। और कंप्लीट वैक्सीनेशन हुई हुई है इनकी शुरू से लेके अब तक? हाँ वो तो चलो पूरा एकदम दिख ही रहा है हमें एकदम हर डॉग, मतलब कहीं से भी किसी भी डॉग में इतना सा नुक्स भी नहीं है, मतलब कोई किसी में कोई कमी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भाई साहब कि ये सारे बच्चे रखने का क्या कारण है इसके पीछे? कारण तो जी मतलब जैसे तो आपको सारे पसंद आ गए थे उस टाइम? हाँ जी, क्योंकि मैंने छोटे छोटे थे जब ये, पहले दिन से मैंने इनको पाला है तो आपका अटैचमेंट हो गया मेरे साथ? हाँ जी बिल्कुल अटैचमेंट है जी। तो व्यूअर्स ऐसा डॉग लवर मैंने तो कभी नहीं देखा, शायद तक आपने भी नहीं देखा होगा, मतलब इनको कोई ब्रीडिंग वाला सिस्टम ये नहीं है यहाँ पे, मतलब सेल परचेज वाला वो कोई, मतलब इनका कोई उस टाइम कोई काम नहीं है इनका, सिर्फ शौक है ये। इन्होंने जब इनके पास फीमेल ने बच्चे दिए तो ये बच्चों को दूध मतलब रोजाना मतलब संभाल करते थे, उनकी दूध वगैरह कोई पी रहा नहीं पी रहा सब चीज़ ध्यान रखते थे, इनको इनका एक अटैचमेंट हो गया उस चीज़ से, तो इनको लगा कि यार ये सारे फैमिली मेम्बर ही है ये, तो तब से आज तक इन्हीं के पास है और आगे भी इन्हीं के पास रहेंगे ये। तो भाई साहब ये बहुत एक, तो व्यूअर्स मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ रहते हैं ये, ऊपर इनके आप देखोगे ना पूरे पेड़ वगैरह एकदम खुली हवा, और हवा भी चल रही है आज तो सबसे अच्छी बात, बाकी नहीं भी चले तो भी इस पेड़ के नीचे जब भी कोई रहता है तो उसको ऑटोमेटिक एक अच्छी ऑक्सीजन मिलती है और ठंडी हवा मिलती है। अभी ये मल्लिका नाम की जो फीमेल है ये देखो हमारे कैमरामैन के पास गई हुई है, अभी उनके पास घूम रही है। मल्लिका आजा। हाँ ये सोना है, सॉरी मैंने मल्लिका तो अंदर है। हाँ जी मल्लिका, ये है मैंने नाम चेंज कर दिया क्योंकि मैं देखो अभी इनसे पूरा अभी था। सोना तो सोना देख सकते हैं व्यूअर्स एकदम फ्रेंडली है, और जैक्सन मैंने आपको वीडियो अभी इसकी लास्ट वाली वीडियो जैक्सन की हमने लगा रखी है चैनल पे, आप देखें ये उसी की बच्ची है, सेम उस जैसा नेचर है सेम ऐसा। जैसे हम बीके वर्ड हमारा चैनल है यूट्यूब पे, हम जैसे इस वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं तो आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? आपके माध्यम से ये जो डॉग्स ब्रीड है ये इसकी नॉलेज आप मतलब ये सभी मतलब लोगों के पास जा रही है जी? हाँ जी हाँ जी भाई साहब, ये मतलब मैं ये का आपका हाँ जी मतलब ये ब्रीड प्रमोट हो रही है, प्रमोट हो रही है जी। हाँ जी हाँ, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं इनके प्रति। हाँ जी हाँ जी, देखो हमारा तो यही काम है ताकि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास जो मतलब एक घर में एक इतनी सुंदर चीज़ अपने पास तो वो सबको मालूम पड़नी चाहिए, लोग मतलब फॉरन ब्रीड की तरफ जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में भी एक दमदार चीज़ है तो हम क्यों बाहर की तरफ देखें, जब बाहर के लोग आज हमसे भाई साहब अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मतलब बहुत सी जगह से हमारे पास कॉल्स आते हैं कि हमें बुली ब्रीड चाहिए, वो कहते हैं लॉकडाउन में आपके वहाँ पे फ़्लाइट स्टार्ट हो गई क्या, हमें डॉग चाहिए, हम बोलेंगे लोग ट्रेन तो अभी क्या अपने फ़्लाइट तो अभी सब बंद है, और हमने बोला इतनी दूर डॉग कैसे भेजेंगे, क्या आप तो भेजो।